नमस्कार, रूस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नोएडा में दो दिन पहले इसी तरह से एक बहुमंजिला इमारत गिर चुकी थी, ढह चुकी थी, और अब जो है चेन्नई में भी एक ऐसी ही घटना घटी है जिसमें 33 लोग घायल हैं। 33 में से एक जो शख्स है जिसकी मौत हो चुकी है, 16 लोग ऐसे हैं जो अपोलो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रॉयपेटा अस्पताल जो है का सरकारी अस्पताल है, वहां पर 11 लोगों को भर्ती किया गया है। इन 32 लोगों में 6 ऐसे लोग हैं जो गंभीर तौर से घायल हैं, क्रिटिकल स्टेज पे हैं, अपोलो में हैं। अगर मैं आपको इस पूरे इलाके का मुआयना कराऊं तो आप देख सकते हैं ये जो बहुमंजिला बिल्डिंग जो ढही है, इसके ठीक सामने कुछ ऐसे भी घर हैं जो बहुत ही बुरी तरह से टूटे हैं। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा आप दिखाएं इस तरफ किस तरह से यहाँ पे जो है जो पास में जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। साथ में एक बिल्डिंग का जो रूफ है, रूफ से लेके बालकनी, वो तमाम चीज़ें टूटी हैं। उसके पड़ोस में एक और बिल्डिंग है जहां पर भी नुकसान हुआ है। एक यहां पे एक ऑटो खड़ा था, ऑटो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो इधर का जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह की सेफ्टी यहाँ पे दिखाई जाती है, क्या वो सही है? अगर आप देखें यहाँ पे जो मलवा है, यहाँ पे मलबे में आपको चूना ज़्यादा, आपको रेत ज़्यादा और सीमेंट बहुत ही ना के बराबर दिखती है। इस वजह से इस तरह की बिल्डिंगें ढहती हैं। यही हाल हमने नोएडा में भी पाया, वहाँ पर अभी रेत ज़्यादा थी, सीमेंट की जो स्तर था वो बहुत कम था। अगर आप देखें यहाँ पर जिस इंसान का नुकसान होता है वो यहाँ का एक आम पब्लिक होता है जिसने यहाँ पे घर खरीदे, और वो लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम आपको और दिखाते हैं आगे, यहाँ पे जो घर हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। अगर यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग आनी थी तो यहाँ का जो सड़क का जो विड्थ था वो इससे ज़्यादा होना चाहिए था। यानी जब ये बिल्डिंग यहाँ पे गिरी, अगर ये बिल्डिंग और लंबी होती तो शायद ये तमाम जो घर हैं इनको और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। यहाँ पे लोग रहते हैं। बताया ये जा रहा है ये जो बिल्डिंग बहुमंजिला इमारत बन रही थी ये एक अस्पताल की बिल्डिंग थी। अगर आप देखें कि ये जो बिल्डिंग है ये सड़क की तरफ गिरी है, अगर ये बिल्डिंग अपने उल्टे हाथ यानी बाएं तरफ अगर गिर जाती तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। यही हालत थी नोएडा में भी, जहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और उसके साथ एक ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पे लोग रह रहे थे, और वहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई वो हमारे सबके समक्ष है, और यहाँ पर भी वही दशा हमको देखने को मिलती है। दो इमारतों के बीच में कम से कम 10 फीट की जो है जगह छोड़नी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें स्थिति आपको हम और करीब से दिखाएंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो है एकदम सटी हुई रहती है। यहाँ पे जो सरकारी बाबू लोग हैं वो इनको इस तरह से परमिशन दे देते हैं जिसकी कोई जाँच पड़ताल नहीं करी जाती है। अगर आप देखें मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको एकदम करीब से दिखाएं, उसके साथ में एक बिल्डिंग है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच में एक हवा जाने तक की भी जगह नहीं दी जाती है। अगर आप देखें तो दो बिल्डिंगें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पर्पल बिल्डिंग और एक हरी बिल्डिंग, इन दोनों में सिर्फ एक लकीर है जो इन दोनों बिल्डिंगों को अलग करती है। देखिए लापरवाही जो है वो इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्डर की तरफ से लापरवाही होती है जो कि अपने चंद पैसे बचाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही ख़राब मटेरियल इस्तेमाल करता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे जो कॉरपोरेशन से इनको सर्टिफिकेशन मिलता है वो भी सही नहीं मिलता है, और उन लोगों के खिलाफ कभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करी जाती है। ये वो ऑटो है जो यहीं पर कहीं खड़ा था और जिसके ऊपर सीधे ये बिल्डिंग आके गिरी। अगर मैं आपको दिखाऊं दो बिल्डिंगों के बीच में जो 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ पे पूरे इलाके में हमें देखने को नहीं मिला है। ये वो दो इमारतें हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, दो घर हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखें ये मुश्किल से 1 फीट का भी नहीं है। यहाँ से कोई न जा सकता है न आ सकता है। अगर किसी भी एक बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है तो सीधे सीधे वो दूसरी ही बिल्डिंग पे जाके गिरेगा। ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो कॉरपोरेशन इन लोगों को परमिशन देता है, अप्रूवल देता है, वो सही तौर पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग कार्यरत होते हैं नुकसान उन्हीं लोगों को होता है, जो जान माल का खतरा होता है उन्हीं का होता है, और इन लोगों का जिन्होंने ये घर खरीदे होते हैं। और मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो जो छज्जे हैं वो भी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं।
आप ध्यान से देखिए, जो एक दूसरे के जो छज्जे हैं वो भी एक दूसरे के साथ हैं। गलती से अगर एक एयर कंडीशन भी नीचे गिरता है तो भी वो एक दूसरे के घर पे ही जाके गिरेगा। मैं आपको और इस इलाके में घर दिखाना चाहूंगा जो इसी तरह से बने हुए हैं और इनको अप्रूवल भी दिया गया है। शिवटर देखिए, ये एक और इमारत है जो इसी इलाके में हमको देखने को मिली, जहां पर फिर अगर आप देखें तो 1 फीट से ज्यादा जो है जगह नहीं छोड़ी गई और इस बिल्डिंग को भी अप्रूवल दिया गया है। अगर आप देखें, एक बालकनी दूसरे दीवार के साथ है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा जूम करके दिखाया जाए। और ये अप्रूवल आखिर दिया तो किसने दिया? अगर यहां पर किसी इंसान की जान जाती है, किसी का नुकसान होता है, तो वहां पर सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जो अधिकारी इस तरह की बिल्डिंग बनाने का के लिए अप्रूवल देते हैं, पैसा अंडर टेबल लेते हैं, घूस लेते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और ये जो कल जो घटना घटी है उसका एक और शक्ल है जो परसों नरसों नोएडा में हुई, वहां पर भी इसी तरह से जान माल का खतरा हुआ। ठीक है, अगर ये पूरा इलाका हम आपको दिखाएंगे, ये तमाम घर इसी तरह से बने हैं, या तो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं या फिर इस तरह से बहुत ही कम जो है डिस्टेंस गैप दिया गया है। आखिर बिल्डर्स को इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने का अप्रूवल जो जिसने दिया, उसके खिलाफ यहाँ की सरकार कब कार्रवाई करेगी? आखिर इस तरह का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ यहाँ की सरकार और यहाँ की जो पुलिस है वो कब कार्रवाई करेगी? जब इस तरह से जब कोई त्रासदी हो जाती है, उसके बाद सरकार, महकमा, लोग, पुलिस, हम जैसे मीडियाकर्मी, तमाम ये लोग आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तब किसी को इन तमाम चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह से यहाँ पर बिल्डिंगें बनती चली जाती हैं। नुकसान जो होता है वो यहाँ के मजदूरों का और आम जनता का होता है। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।